Good morning, children. How are you? Hope you all are fine. I am your Kiran ma'am. Today welcome back my online class. Today I will teach you GKB February revision. मैंने आपको पहले नवंबर टू जनवरी कोर्स कराया है. फरवरी में आपको मैं रिवीजन करवा रही हूँ क्योंकि अब आपका फाइनल एग्ज़ाम नज़दीक आने वाला है और आपको रिवीजन करना है, अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से लर्न करना है ताकि आप एग्ज़ाम में लिख सको अच्छे से. ओके चिल्ड्रन, ओपन योर नोटबुक. थिंग्स ऑन द वे, सर्कल द थिंग्स यू सी ऑन योर वे बैक फ्रॉम स्कूल. हमें सर्कल करना है जब हम स्कूल जाते हैं और स्कूल से वापस जब बैक हम घर को आते हैं तो कौन कौन से थिंग्स, कौन कौन सी चीज़ें हम देखते हैं, तो उसे आपको सर्कल करना है. मैं आपको बता रही हूँ. Open your notebook. CIRCLE. Circle the things. THINGS. Circle the things you see on your way back from school. BACK, back from, FROM, from school. SCHOOL. मैंने आपको बताया सर्किल करना है जो जो थिंग्स, जो जो चीजें आपको स्कूल वापस घर जाते समय दिखती हैं. तो सबसे पहले नंबर वन में TREE. नंबर टू मॉल, MALL, मॉल. RICKSHAW, रिक्शा. नंबर फोर काउ. नंबर फाइव कार, CAR, कार. नंबर सिक्स बर्ड, BIRD, बर्ड. नंबर सेवन DOG, डॉग. नंबर एट BUS, बस. नंबर नाइन CAT, कैट.
नंबर 10 पी एल ए एन टी प्लांट। तो आपको ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको स्कूल से बैक वापस घर जाते समय दिखाई पड़ती हैं, नंबर 11। तो आपको उसे सर्किल करना है, एच ओ एस पी आई टी ए एल हॉस्पिटल, नंबर 12 टी आर ए डबल एफ आई सी ट्रैफिक लाइट एल आई जी एच टी ट्रैफिक लाइट। तो आपको इतनी सारी चीज़ें हैं जो आपको इसमें से जो जो चीज़ आपको जो जो थिंग्स आपको घर वापस स्कूल से जाते समय दिखती हैं आप देखते हैं उसे आपको सर्किल करना है, और मैम को जो जो चीज़ें दिखती हैं मैम आपको बता रही है। जैसे सबसे पहले टी आर डबल ई ट्री, तो आप जब स्कूल से वापस घर को लौटते हैं बैक जाते हैं घर में, तो आपको वे रास्ते में यानी कौन कौन सी चीज़ें नज़र आती हैं उसे आपको सर्कल करना है। सर्कल द थिंग्स यू सी ऑन योर वे बैक फ्रॉम स्कूल। तो आपको स्कूल से वापस बैक घर जाते समय जो जो थिंग्स यानी चीज़ें आपको दिखती हैं उसे आपको सर्कल करना है। नंबर 1 टी आर डबल ई ट्री। तो क्या आपको ट्री रास्ते में दिखता है जब घर से आप आते हो चाहे जाते हो तो वापस घर जाते समय? तो मैम को तो दिखता है, इसलिए मैम इसे सर्किल कर रही है, और आपको जो जो थिंग्स जो जो चीज़ें आपको दिखाई पड़ती हैं वो आप सर्कल करेंगे। सेकंड एम ए डबल एल मॉल। मॉल यानी जहाँ आप शॉपिंग करते हैं खरीदते हैं, बड़े बड़े मॉल होते हैं जैसे V2 है, बाजार इंडिया है, तो ये सब मॉल हैं बहुत सारे। तो आपको अगर अपने वापस घर जाते समय दिखेगा तो उसे भी आप सर्कल करेंगे। मैम को तो दिखता है इसलिए मैम इसे सर्कल करेंगे, एम ए डबल एल मॉल। ओके चिल्ड्रेन, नंबर 3 आर आई सी के एस एच ए डब्ल्यू रिक्शा। तो ये तो जनरल है, आपको रिक्शा स्कूल से घर जाते समय रास्ते में दिखता ही होगा, तो इसे भी आप अपनी नोटबुक में या बुक में अपना सर्कल करेंगे। ओके चिल्ड्रेन, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। सी ओ डब्ल्यू काउ, काउ मीन्स गाय। तो काउ क्या आपको रास्ते में स्कूल से घर जाते समय दिखाई पड़ती है? यस, वेरी गुड। तो मैम को भी दिखाई पड़ती है, अगर आपको दिखाई पड़ती है तो आप भी इसे सर्कल करें। ओके चिल्ड्रेन, नंबर 5 सी ए आर कार। तो कार आपको दिखाई पड़ती है जब स्कूल से आप वापस घर जाते हो तो? यस, वेरी गुड। तो आप इसे सी ए आर कार को सर्कल करेंगे। ओके चिल्ड्रेन, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। बी आई आर डी बर्ड। तो बर्ड आपको दिखता है रास्ते में कहीं जाते हुए, कोई भी बर्ड जैसे पैरोट पिकॉक पिजन आउल क्रो, तो ये सब नहीं दिखता है तो आप इसे सर्कल नहीं करेंगे। डॉग, नंबर 7 में डॉग डी ओ जी डॉग। तो डॉग क्या है? ये भी थिंग्स है, आपको शायद
स्कूल से वापस घर जाते समय दिखाई पड़ता है या नहीं? अगर आपको दिखाई पड़ता है तो आप इसे सर्कल करेंगे। मैम को तो दिखाई पड़ता है इसलिए मैम इसे सर्कल करती। डी ओ जी डॉग। डॉग मीन्स कुत्ता। नंबर 8 बी यू एस बस। तो आपको बी यू एस बस, बस मीन्स बस। तो बस तो आपको दिखाई पड़ती है जब आप स्कूल से वापस घर को लौटते हो, घर जाते हो, तो बी यू एस बस, क्योंकि स्कूल बस भी होती हैं और भी बसें बहुत सारी होती हैं रोड पर, तो आपको दिखाई पड़ती हैं। मैम को तो दिखाई पड़ती है। अगर आपको दिखाई पड़ती है तो आप भी इसे सर्कल कीजिए अपने नोटबुक में। बी यू एस बस। नंबर 9 सी ए टी कैट। कैट मीन्स बिल्ली। सी ए टी कैट। तो क्या कैट भी आपको दिखाई पड़ती है स्कूल से वापस घर जाते समय में? बताइए चिल्ड्रन, दिखाई पड़ती है? तो चलिए इसको भी आप सर्किल कीजिए। सी ए टी कैट। नंबर 10 पी एल ए एन टी प्लांट। प्लांट पौधे दिखाई पड़ते हैं छोटे छोटे आपको कहीं भी। अगर आपको दिखाई पड़ते हैं तो आप इसे सर्कल करेंगे, नहीं तो इसे नहीं करेंगे। नंबर 11 लेकिन मैम को दिखाई पड़ते हैं तो मैम इसे सर्कल कर रही है। ओके चिल्ड्रन, एच नंबर 11 एच ओ एस पी आई टी ए एल हॉस्पिटल। तो आपको हॉस्पिटल दिखाई पड़ता है जब स्कूल से वापस घर जाते हैं तो? नहीं ना, तो आप इसे सर्कल नहीं करेंगे क्योंकि मैम को दिखाई नहीं पड़ता। नंबर 12 टी आर ए डबल एफ आई सी एल आई जी एच ट्री ट्रैफिक लाइट्स। ट्रैफिक लाइट्स तो रहती है लेकिन आपको स्कूल से वापस घर जाते समय दिखाई पड़ती है ट्रैफिक लाइट्स। जहाँ ट्रैफिक ज़्यादा होती है वहाँ लाइट्स भी जलती है, उसी अनुसार रूल्स फॉलो करते हैं। और बस है, कार है, कन्वेंस है कोई भी, तो ट्रैफिक लाइट के अनुसार रेड लाइट, ब्लू येलो लाइट एंड ग्रीन लाइट। तो आपको अगर दिखाई पड़ती है तो आप इसे सर्कल करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ओके चिल्ड्रन, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। डू यू अंडरस्टैंड? आप इसे अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। ओके चिल्ड्रन, ये रिवीजन है, आपको इसे लर्न करना है स्पेलिंग, और अच्छे से अपनी नोटबुक में नोट कर लेना है। ओके चिल्ड्रन, चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। डे और नाइट। डे और नाइट। नेक्स्ट, मैंने पहले भी आपको कराया, आज मैं फिर रिवीजन करवा रही हूं। डे और नाइट। Day or night. Show with arrows. When do you see these things? Day or night. तो आपको
show with arrow when do you see these things day or night. तो आपको कौन कौन सी चीजें दिन में दिखाई पड़ती हैं और कौन कौन सी चीजें थिंग्स आपको रात में दिखाई पड़ती हैं. नंबर वन, डे. डे नाइट, एन आई जी एच टी, नाइट. तो मैंने आपको बताया, आज मैं फिर बता रही हूँ. नाइट, तो कौन कौन से डे में कौन कौन सी चीजें दिखाई पड़ती हैं आपको. स्काई में सन, एस यू एन, सन. सन मीन्स सूरज. एस यू एन, सन. सन मीन्स सूरज. तो चिल्ड्रन, आपको भी दिखाई पड़ता है सन? कब दिखाई पड़ता है, डे में कि नाइट में, बताइए. डे में दिखाई पड़ता है, वेरी गुड. तो सन कब दिखता है? एस यू एन, सन. सन मीन्स सूरज. और क्या दिखाई पड़ता है डे में? रेनबो, आर ए आई एन बी ओ डब्ल्यू, रेनबो. रेनबो मीन्स इंद्रधनुष. रेनबो मीन्स इंद्रधनुष. तो आपको रेनबो कब दिखता है? जब बारिश होती है और हल्की धूप भी रहती है और बारिश भी होती है, बादल रहते हैं, तो उसमें रेनबो आपको दिखता है, इंद्रधनुष. और वो काफी सुंदर सुहावना रहता है. और वो कब दिखता है? डे में दिखता है, दिन में दिखता है. और ये कलरफुल रहता है. रेनबो में 7 कलर्स होते हैं, रेड, येलो, ग्रीन, ब्लू, पिंक, ब्लू. ये सारे कलर्स आपको रेनबो में दिखाई पड़ेंगे. ये देखिए, डे में आपको रेनबो दिखता है. और क्या क्या नजर आता है बताइए. तो रोस्टर, आर डबल ओ एस टी ई आर, रोस्टर. तो रोस्टर में मुर्गा, ये भी दिन में दिखाई पड़ता है. रात में तो ये अपने घर में, अपने होम में चला जाता है. तो ये आपको दिन में दिखाई पड़ता है, आर डबल ओ एस टी ई आर, आर डबल ओ एस टी ई आर, रोस्टर. तो ये आपको पता हो गया कि सन डे में दिखता है और रेनबो डे में दिखता है और रोस्टर डे में दिखता है. अब नाइट में चलते हैं. अब नाइट में कौन कौन सी चीजें दिखती हैं? तो नाइट में क्या दिखता है बताइए. मून दिखता है. क्या दिखता है? मून. मून मीन्स चांद, एम डबल ओ एन, मून. मून मीन्स चांद. तो मून कब दिखता है आपको? नाइट में, रात को दिखता है ना. और उसके बाद आपको क्या दिखता है रात में, बताइए. तो मैम को, मैम को नहीं पता है, आपको पता है चिल्ड्रन? तो आप बताइए. और क्या दिखता है नाइट में, बोलिए चिल्ड्रन. मैम को तो नहीं पता है, लेकिन आप बताइए. आपको पता है तो आप बताइए क्या दिखता है. मून तो बताया मैम ने, अब आप बताइए नाइट में क्या दिखता है. स्टार्स, वेरी गुड. एस टी ए आर एस, स्टार्स. स्टार्स मीन्स तारे.
यानी बहुत सारे तारे स्टार्स आपको स्काई में नाइट में दिखाई पड़ते हैं और वो खूब शाइन करते हैं, छोटे 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 बहुत सारे स्टार्स रहते हैं, तो वो कब दिखाई पड़ते हैं? रात को दिखाई पड़ते हैं, नाइट में। अब इसके बाद और क्या दिखाई पड़ता है नाइट में, बताइए तो मैम को, और क्या दिखता है नाइट में? और कुछ दिखता है? आउल, ओ डब्लू एल, आउल। आउल मीन्स उल्लू। तो उल्लू कब दिखता है, आउल कब दिखता है? नाइट में दिखता है, डे में तो नहीं दिखता है। तो ओ डब्लू एल आउल, आउल मीन्स उल्लू। तो आपको समझ में आ गया होगा चिल्ड्रेन कि डे में कौन कौन सी चीजें नजर आती हैं। एस यू एन सन, सन मीन्स सूरज। डे में क्या क्या चीजें नजर आती हैं? सन, एस यू एन सन, सन मीन्स सूरज। ये कब आपको दिखाई पड़ता है? डे में दिखाई पड़ता है। और क्या दिखाता है? सन, एस यू एन सन, सन मीन्स सूरज। चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। और क्या दिखाई पड़ता है डे में? रेनबो, आर ए आई एन बी ओ डब्लू, रेनबो। रेनबो मीन्स इंद्रधनुष। तो ये कब दिखाई पड़ता है? देखिए आपकी बुक में है, रेनबो कब दिखता है? डे में दिखता है, दिन में। ओके, और क्या दिखाई पड़ता है डे में? रोस्टर, आर डबल ओ एस टी ई आर, रोस्टर। रोस्टर मीन्स क्या है? ये रोस्टर है, मुर्गा है, जैसे कॉक भी बोलते हैं और रोस्टर भी बोलते हैं। ये कब दिखाई पड़ता है आपको? डे में। अब आपको समझ में आ गया चिल्ड्रेन कि डे में क्या क्या चीजें दिखाई पड़ती हैं। चलिए अब हम नाइट में देखते हैं, नाइट में क्या क्या चीजें होते हैं। एम डबल ओ एन मून, मून मीन्स चांद। एम डबल ओ एन मून, मून मीन्स चांद। एम डबल ओ एन मून, मून मीन्स चांद। और क्या दिखाई पड़ता है आपको नाइट में, बताइए तो? एस टी ए आर एस, स्टार्स। स्टार्स मीन्स तारे। एस टी ए आर एस, स्टार्स। स्टार्स मीन्स तारे। तो ये कब दिखाई पड़ते हैं? नाइट में। एस टी ए आर एस, स्टार्स। स्टार्स मीन्स तारे। और क्या दिखाई पड़ता है नाइट में? ओ डब्लू एल आउल, आउल मीन्स उल्लू। और नाइट में और क्या दिखाई पड़ता है? उल्लू, ओ डब्लू एल आउल, आउल मीन्स उल्लू। तो चिल्ड्रेन आप इसे अपनी नोटबुक में इसे नोट कर लीजिए और लर्न कीजिएगा अच्छे से। ओके चिल्ड्रेन, नेक्स्ट अब हम आगे बढ़ते हैं। रूम इन माय होम, रूम इन माय होम। आपके घर में कौन कौन से रूम्स हैं? रूम इन माय
home. R double O M. Rooms in my home. H O M E home. Rooms in my home. तो आपके घर में कौन कौन से रूम्स हैं? मैंने पहले भी आपको कराया, आज मैं फिर करा रही हूँ. ओके चिल्ड्रेन, अब ध्यान से देखेंगे. नंबर वन, बाथरूम. बी ए टी एच आर डबल ओ एम, बाथरूम. तो आपके घर में क्या है? बाथरूम है. बोलिए चिल्ड्रेन. यस, आपके घर में बाथरूम है. बी ए टी एच आर डबल ओ एम, बाथरूम. और कौन सा रूम है आपके घर में? बेडरूम. बोलिए मैम के साथ. बी ई डी आर डबल ओ एम, बेडरूम. बी ई डी आर डबल ओ एम, बेडरूम. तो आपके घर में एक बेडरूम भी होगा, बाथरूम है, बेडरूम भी होगा जिसमें आप सोते हैं. बाथरूम में आप क्या करते हैं? बात करते हैं, नहाते हैं. और बेडरूम में आप क्या करते हैं? सोते हैं. उसके बाद आपके घर में होम में और कौन से रूम्स हैं? किचन. के आई टी सी एच ई एन, किचन. तो किचन, के आई टी सी एच ई एन, किचन. तो किचन भी है आपके घर में. तो किचन में हम क्या करते हैं? खाना बनाते हैं. आपकी मम्मी खाना बनाती होगी, है ना? और किचन में क्या होता है? खाना बनाते हैं. तो वो भी आपके घर में होगा. नंबर फोर, और कौन सा रूम है आपके घर में? डी आई आई एन आई एन जी, डाइनिंग रूम. आर डबल ओ एम, डाइनिंग रूम. डी आई एन आई एन जी आर डबल ओ एम, डाइनिंग रूम. तो ये भी आपके घर है. डाइनिंग रूम में क्या करते हैं? सारे फैमिली मेंबर्स एक साथ बैठ के खाना खाते हैं डाइनिंग रूम में. उसके बाद क्या है आपके घर में बताइए तो? लिविंग रूम. एल आई वी आई एन जी आर डबल ओ एम, लिविंग रूम. तो लिविंग रूम में क्या करते हैं? सोफा लगा रहता है वॉल पे और टीवी रहता है. उसमें कोई गेस्ट आते हैं तो उसमें हम बैठाते हैं. और वो गेस्ट रूम हुआ, लिविंग रूम हुआ. ये भी आपके घर में होगा. नंबर सिक्स, स्टडी रूम. एस टी यू डी वाई, स्टडी रूम. आर डबल ओ एम, रूम. स्टडी रूम. एस टी यू डी वाई आर डबल ओ एम, रूम. स्टडी रूम. तो स्टडी रूम में आप क्या करते हैं? पढ़ते हैं. तो आपके घर में वो भी होगा, स्टडी रूम. एस टी यू डी वाई आर डबल ओ एम, रूम. स्टडी रूम.
आई होप चिल्ड्रेन कि आपको समझ में आ रहा होगा। ये क्या है? रूम्स इन माई होम। आपके घर में जो जो रूम हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया, मैंने पहले भी बताया, फिर बताया, तो आप इसे अच्छे से लर्न कर लेंगे। एक बार रिपीट कीजिए मेरे साथ, रिपीट विथ मी, BATHROOM, बाथरूम, BEDROOM, बेडरूम, KITCHEN, किचन, DINING ROOM, डाइनिंग रूम, लिविंग, LIVING ROOM, लिविंग रूम, STUDY ROOM, स्टडी रूम। तो बाथरूम में आप बात करते हैं, नहाते हैं, बेडरूम में आप सोते हैं, किचन में खाना बनता है और डाइनिंग रूम में आप बैठ के खाना खाते हैं डाइनिंग टेबल पे। और लिविंग रूम में अगर कोई गेस्ट आते हैं तो उसमें लिविंग रूम में बताते हैं, गेस्ट रूम है। और स्टडी रूम जिसमें आप पढ़ाई करते हैं, बैठ के स्टडी करते हैं, वो कौन सा रूम हुआ? स्टडी रूम। ओके चिल्ड्रेन, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। गॉट इट? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आपने अपनी नोटबुक में इसे नोट कर लिया होगा और इसे अच्छे से लर्न करेंगे। ओके चिल्ड्रेन, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, फार एनिमल, मैच द शे एनिमल्स हाइडिंग इन द होम विथ दियर कंप्लीट पिक्चर बिलो। तो एनिमल्स होम, ANIMALS, एनिमल्स होम, HOME, होम। एनिमल्स होम मीन्स जानवरों के घर, जिसमें एनिमल्स रहते हैं उनके भी घर होते हैं। ओके चिल्ड्रेन, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ एनिमल्स के कौन कौन से एनिमल्स के कौन कौन से होम होते हैं, घर होते हैं। नंबर वन, काउ, COW, काउ। काउ मीन्स गाय। तो काऊ कहाँ रहती है? काऊ के घर को क्या बोलते हैं? काऊ के घर को क्या बोलते हैं? शेड, SHED, शेड। तो काऊ के घर को क्या बोलते हैं? शेड। नंबर टू, डॉग, DOG, डॉग। डॉग मीन्स कुत्ता। तो डॉग के घर को क्या बोलते हैं? डॉग कहाँ रहता है? अपने घर में। तो डॉग के घर को क्या बोलते हैं? केनल, KENNEL, केनल। डॉग के घर को क्या बोलते हैं? केनल। डॉग कहाँ रहता है? केनल में। उसका घर यानी होम वही है। नंबर थ्री, हॉर्स, HORSE, हॉर्स। हॉर्स कहाँ रहता है? हॉर्स के घर को क्या बोलते हैं? स्टेबल, STABLE,
बी एल ई एस्टेबल। हॉर्स के घर को क्या बोलते हैं? एस्टेबल, एस टी ए बी एल ई एस्टेबल। नंबर फोर, हैन, एच ई हैन। हैन कहाँ रहती है? अपने घर में। और हैन के घर को क्या बोलते हैं? कूप, सी डबल ओ पी कूप। जब हैन के कूप के घर को क्या बोलते हैं? कूप, सी डबल ओ पी कूप। तो हैन कहाँ रहती है? कूप में। ओके चिल्ड्रेन, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। रैबिट, आर ए डबल बी आई टी रैबिट। रैबिट कहाँ रहता है? रैबिट के होम को क्या बोलते हैं? घर को। एच यू टी सी एच, एच। रैबिट के घर को क्या बोलते हैं? एच, एच यू टी सी एच, एच। तो रैबिट कहाँ रहता है? हच में रहता है। उसके घर को हम लोग हच बोलते हैं, एच यू टी सी एच हच। डक, डी यू सी के डक। डक कहाँ रहती है? डक के घर को हम क्या बोलते हैं? डक कहाँ रहती है पहले बताइए तो आप लोग। पॉन्ड में, पी ओ एन डी पॉन्ड, पॉन्ड मीन्स तालाब। तो डक कहाँ रहती है? पॉन्ड में। तो डक का घर क्या हुआ? पॉन्ड हुआ। ओके चिल्ड्रेन, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। नंबर सेवन, शिप, एस एच डबल ई पी शिप। शिप कहाँ रहती है? शिप के घर को क्या बोलते हैं? पेन, पी ई एन पेन। शिप कहाँ रहती है? पेन में, एस एच डबल ई पी शिप। शिप में का होम क्या हुआ? पेन। ओके चिल्ड्रेन, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। आप इसे अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए और इसे अच्छे से लर्न कीजिएगा। एनिमल्स के होम है और एनिमल्स के घर को क्या बोलते हैं, ये मैंने आपको बताया, पहले भी बताया, आज फिर बता रही हूँ। आप इसे नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में अच्छे से और इसे लर्न कीजिएगा। ओके, चलिए एक बार फिर मेरे साथ रिपीट कर दीजिए। एनिमल्स होम, सी ओ डब्ल्यू काउ, काउ मीन्स गाय। काउ के घर को क्या बोलते हैं? शेड, एस एच ई डी शेड। डॉग, डी ओ जी डॉग। डॉग कहाँ रहता है? कैनल में। डॉग के घर को क्या बोलते हैं? कैनल, के ई डबल एन ई एल कैनल। हॉर्स, एच ओ आर एस ई हॉर्स। हॉर्स के घर को क्या बोलते हैं? एस्टेबल, एस टी ए बी एल ई स्टेबल। हॉर्स कहाँ रहता है? एस्टेबल में। हैन, एच ई एन हैन। हैन के घर को क्या बोलते हैं? कूप, सी डबल ओ पी कूप। तो हैन कहाँ रहती है? कूप में। ओके चिल्ड्रेन, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। रैबिट, आर ए डबल बी आई टी रैबिट। रैबिट के घर को क्या बोलते हैं? हच, एच यू टी सी एच हच। तो रैबिट कहाँ रहता है? हच में, डी यू सी के डक। डक के घर को क्या बोलते हैं? पॉन्ड, क्योंकि डक पॉन्ड में रहती है, पानी में रहती है। तो डक के घर को क्या बोलते हैं? पॉन्ड, पी ओ एन डी पॉन्ड। शिप, एस एच डबल ई पी शिप। शिप के घर को क्या बोलते हैं? शिप कहाँ रहती है? उसके घर को क्या बोलते हैं? पेन, पी ई एन पेन।
तो चिल्ड्रेन आपको समझ में आ गया, मैंने रिपीट किया, बार बार बताया आपको, और अच्छे से आपने इस आप इसे अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए, लर्न कीजिए। ओके चिल्ड्रेन, आप इसे अपने नोटबुक में नोट कीजिए। तो अब आपका एग्जाम भी आने वाला है, फाइनल एग्जाम, और आप फाइनल एग्जाम की तैयारी करेंगे, इसे अच्छे से लर्न करेंगे। ओके, ये देखिए एनिमल्स होम है, और आपको मैंने एनिमल्स होम कराया। आज आपने क्या क्या पढ़ा? मैंने आपको बताया थिंग्स ऑन द वे, सर्कल द थिंग्स यू सी ऑन योर वे बैक फ्रॉम स्कूल। तो आप स्कूल से वापस घर जाते समय कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से थिंग्स आप चीज़ें देखते हैं, उन्हें आपको सर्कल करना था। और आपने आज क्या पढ़ा? डे और नाइट, डे और नाइट, कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से थिंग्स आपको डे में दिखाई पड़ते हैं, आप सी हैं, देख सकते हैं उसे, और कौन कौन से थिंग्स आपको नाइट में दिखाई पड़ते हैं, आप उसे देखते हैं, तो उनके बारे में आपको बताया। और मैंने आज आपको रूम्स इन माई हाउस, तो मैंने रूम्स के बारे में बताया, आपके घर में कौन कौन से रूम्स हैं, है ना, तो कौन कौन से रूम्स हैं, बाथरूम, बेडरूम, किचन, डाइनिंग रूम, स्टडी रूम, लिविंग रूम। तो ये सारे रूम्स आपके घर में हैं। तो बाथरूम में हम नहाते हैं, बेडरूम में सोते हैं, किचन में खाना बनाते हैं, और डाइनिंग रूम में हम खाना खाते हैं डाइनिंग टेबल पर बैठ के, और स्टडी रूम में क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं आप, और लिविंग रूम में क्या करते हैं, बैठते हैं, टीवी देखते हैं, गेस्ट आते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिविंग रूम। तो चिल्ड्रेन, आप आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद मैंने और आपको क्या कराया, एनिमल्स होम। एनिमल्स होम में मैंने आपको कराया अभी काऊ का घर कौन सा है, जैसे हम घर में रहते हैं वैसे काऊ का भी, एनिमल्स का भी घर होता है, और वो भी अपने घर में रहते हैं, तो काऊ के घर को क्या बोलते हैं, शेड, SHED, शेड। डॉग के घर को क्या बोलते हैं, कैनल, KENNEL, कैनल। हॉर्स के घर को क्या बोलते हैं, HORSE, हॉर्स। तो इसके घर को क्या बोलते हैं, स्टेबल, STABLE, स्टेबल। और हैन के घर को क्या बोलते हैं, HEN, हैन, हैन मीन्स मुर्गी। तो हैन के घर को क्या बोलते हैं, कूप, COOP, कूप। तो हैन कहाँ रहती है अपने घर में, कूप में। रैबिट, RABBIT, रैबिट, रैबिट मीन्स खरगोश। तो रैबिट के घर को क्या बोलते हैं, HUTCH, तो रैबिट कहाँ रहता है, H में। DUCK, डक, डक के घर को क्या बोलते हैं, पॉन्ड। तो डक कहाँ रहती है, पॉन्ड में, POND, पॉन्ड। SHEEP, शिप, शिप मीन्स भेड़। तो शिप के घर को क्या बोलते हैं, PEN, पेन। तो शिप का घर कौन सा हुआ, शिप कहाँ रहती है, पेन में, PEN, पेन। ओके चिल्ड्रेन, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो हम अब इसे रिवीजन करेंगे, अच्छे से लर्न करेंगे, याद करेंगे। ओके, बाय, सी यू।